Good morning. How are you all? Students, today we are going to do the fourth chapter from your first flight book from the diary of Anne Frank. Students, आज हम एन फ्रैंक जो कि इसकी राइटर है उसके द्वारा डायरी में लिखे गए कुछ पार्ट को आपके इस लेसन में पढ़ेंगे. यानी कि जैसे आपको टाइटल से ही पता चल रहा है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, यानी कहने का मतलब कि एन फ्रैंक की डायरी में से. यानी ये कंप्लीट पार्ट नहीं है, ये इसका कुछ हिस्सा है जो आप इस लेसन में पढ़ेंगे. ये जो आप सामने पिक्चर देख रहे हैं ये एन फ्रैंक की पिक्चर है. लेसन पढ़ने से पहले हमें अगर इस जो पार्ट है जो आपके आपके सिलेबस में है, अगर हम इसकी इसका बैकग्राउंड समझेंगे तो हमें लेसन समझने में और ज़्यादा आसानी होगी. तो हम पढ़ना शुरू करते हैं. बिफोर यू रीड, एनेलीज मैरी एनी फ्रैंक, 12 जून 1929, February-March 1945. तो ये इसका टाइम पीरियड बता रहे हैं कि 12 जून 1929 को उसका बर्थ हुआ फरवरी में, और मार्च 1945 को उसकी डेथ हुई. वाज अ जर्मन बोर्न ज्यूइश गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड फोर फ्रेंड्स. तो वो एक जर्मन को बिलोंग करने वाली गर्ल थी और एक ज्यूइश फैमिली यानी ज्यू धर्म को संबंध रखने वाली गर्ल थी. हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड फोर फ्रेंड्स इन एमस्टरडम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर टू. तो स्टूडेंट्स ये क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि उसकी जो डेथ है वो कब हुई, जब वो अपनी फैमिली के साथ और अपने चार फ्रेंड्स थे उनके साथ एमस्टरडम यानी कि नीदरलैंड्स का एक शहर है वहाँ पे छुपे हुए थे, जब जर्मनी ने क्या कर लिया था नीदरलैंड के वर्ल्ड वॉर टू में जब उन्होंने नीदरलैंड्स को अपने कब्जे में ले लिया था, तब की बात है जब एन फ्रैंक की डेथ हुई. हर फैमिली हैड मूव टू एमस्टरडम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इन टू द नीदरलैंड्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, जो एनी फ्रैंक की फैमिली थी इन्होंने जर्मनी से ये चले गए जब देखा कि नाजीज ने पावर ले ली, जो कि हिटलर के अंडर थी नाजी पार्टी, उन्होंने जर्मनी की पावर ले ली है. और फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ से चले गए और कहाँ पहुँच गए, नीदरलैंड. जैसे पहले ही बताया कि नीदरलैंड्स में ही उसकी वो गए थे. तो इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि हिटलर की नाजी पार्टी थी, उसने पहले जर्मनी के ऊपर अपना कब्जा किया. अब पूरे वो तानाशाह था एक, उसने पूरे देश के ऊपर अपना कब्जा कर लिया. और जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो जो हिटलर था वो क्या करता था, जो ज्यूइश लोग होते थे उनके ऊपर अत्याचार करता था और उनको मार देता था. तो ये इस चीज़ से बचने के लिए वहाँ से चले गए और एमस्टरडम में चले गए. कहते हैं एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज द फैमिली वेंट इन टू हाइडिंग इन July 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि ज्यूइश लोगों को मारा जा रहा है, ज्यूइश लोग हैं उनको जो नाजी पार्टी है या हिटलर है वो मार रहे हैं, तो वो बचने के लिए चले गए, छुप गए July 1942 में. जो उसके फादर थे जिनका नाम ओटो फ्रैंक उनके फादर का नाम था, उनकी बिल्डिंग में जाकर ये फैमिली छुप गई और चार फ्रेंड्स भी साथ में थे. आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइडिंग, अब वो दो साल छुपे रहे उस बिल्डिंग में. द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसनट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन वर्जन वेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक. तो कहते हैं कि 2 साल वो वहाँ छुपे रहे, लेकिन जब जर्मनी ने नीदरलैंड के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया नीदरलैंड्स को भी जहाँ वो छुपे थे, तो उन्होंने इस फैमिली को क्या किया, किसी लोगों ने इनको धोखा दिया जिससे इनका पता चल गया भी कहाँ छुपे हुए हैं और उनको कहाँ ट्रांसपोर्ट किया गया, कहाँ ले जाया गया कंसनट्रेशन कैंप.
तो मैं यहाँ कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में बता दूँ। ऐसे कैंप्स बनाए गए थे जहाँ पे ज्यूइश लोगों को लाकर उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनको भूखा रखते थे, परेशान करते थे और वो लोग वहीं मर जाते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, एनी एक टाइफस की बीमारी से मर गई वहीं पे, और कुछ दिनों के बाद एनी अपनी सिस्टर की डेथ के कुछ दिनों के बाद वो मर गई, क्योंकि वहाँ पे अत्याचार करते थे उनके ऊपर, उनको प्रताड़ित करते थे, मारते थे। तो अपनी सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक के कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो गई। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू मेजडम आफ्टर द वॉर एंडेड। तो बचा कौन उनमें से, सिर्फ ओटो जो एन फ्रैंक के फादर थे, सिर्फ वही बचे और बाकी सारे ख़त्म हो गए। और जब वो मेजडम फिर वापस आए नीदरलैंड, फिर दोबारा आए जहाँ वो छुपे हुए थे, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव। तो उनको देखा जाकर तो उसकी जो डायरी थी, यानी कि जो एन फ्रैंक है वो डायरी लिखा करती थी, क्योंकि जब वो 13 साल की हुई तो उसके फादर ने उसको एक डायरी गिफ्ट में दी थी। तो उसने देखा कि वो डायरी बची हुई है, कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, उसको लगा कि ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, इसमें बहुत अच्छा लिख रखा है एन फ्रैंक ने, जो कि मतलब 15 साल की आयु में ही मर जाती है, क्योंकि वो कैंप्स में ले जाया जाता है उनको, जहाँ पर उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। He took action to have it published in English under the name of The Diary of a Young Girl। तो उन्होंने कोशिश की और उसको पब्लिश करा दिया, उसको प्रकाशित कराया, और उसका बुक का नाम रखा गया The Diary of a Young Girl, एक यंग लड़की की, एक जवान लड़की की डायरी। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday। दोबारा आगे बात यहाँ पे कि 13वां बर्थडे था जब वो 13 साल की हुई, तो उसको वो गिफ्ट में मिली थी। And chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944। तो उसने अपनी ज़िंदगी के सारे क्रॉनिकल्स, सारी बातें स्टेप बाय स्टेप उसमें, यानी उसने 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक उसमें एंट्री लिखी, यानी उसमें वहाँ उस टाइम तक उसने लिखा। और उसके बाद इट वाज इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। तो वो डच लैंग्वेज में लिखी गई थी और ये कई लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई है। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएटिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपरा। तो इसमें क्या हुआ, इस जो इसने जो इतनी बड़ी बुक लिखी द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उसमें कई फिल्में बनी, कई थिएटर में परफॉर्मेंसेज हुई, कई ओपेरा उसके ऊपर बना, स्पेशल काइंड ऑफ एक परफॉर्मेंस होता है विद म्यूज़िक। तो वो कई चीज़ें उसकी डायरी के बेसिस पे बनी, क्योंकि वो इतने अच्छी तरह से, इतने प्रॉपर मैनर से, इतनी इमेजिनेशन के साथ लिखी, इतनी रियलिटी के साथ कि लोगों ने उसको पसंद किया। अब जैसे हम आगे इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो वर्णन कितना अच्छा कर रही है अपने टाइम का। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। तो उसमें क्या दिखाया गया कि जब वो नाजियों के अधीन थे तो उनकी लाइफ कैसी चल रही थी, बड़ी गहराई से एग्जामिन करके, उसका अच्छी तरह से परीक्षण करके, अच्छे से उसने उसमें उसका वर्णन किया है उस समय का जब वो नाजी ऑक्यूपेशन के अंडर थे, उसकी उनकी ऑपरेशन के अंदर थे। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोर्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टम्स। तो एनी फ्रैंक, जो एन फ्रैंक है, वो सबसे ज़्यादा रिनोन मतलब जानी पहचानी और प्रसिद्ध डिस्कस्ड होलोकॉस्ट विक्टम्स। होलोकॉस्ट मतलब जो इतनी बड़ी समस्या आई थी, जितने इतने लोगों को मारा, होलोकॉस्ट मतलब इतनी जो त्रासदी हुई थी, उसमें से बचे हुए, उसमें जो मरे लोग या बचे, उनमें से सबसे ज़्यादा डिस्कस की गई वो गर्ल बनी, क्योंकि उसने इतना अच्छा वर्क लिखा। तो आगे हम इसका टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पता चल गया, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एन फ्रैंक जो कि जर्मनी में पली पैदा हुई, और वो अपने आप को बचाने के लिए जब नाजी पार्टी का राज आया और हिटलर ने सारे देश को अपने अधीन कर लिया, तो एन फ्रैंक की फैमिली ने वहाँ से जाना ठीक समझा और वो नीदरलैंड चले गए। वहाँ वो 2 साल रहे, लेकिन इतने में जर्मनी ने नीदरलैंड के ऊपर भी कब्जा कर लिया और उन किसी ने उसको उनको धोखा दिया और बता दिया कि कुछ लोग ज्यूइश लोग छुपे हुए हैं,
तो उन्होंने क्या किया गया, नाजी पार्टी के लोगों ने वहाँ से उठाकर कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कंसंट्रेशन कैंप्स जहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, उनको मारा जाता था और धीरे धीरे भूखा रख कर और अन्य तरीक़ों से उनको जान से ही मार दिया जाता था। तो इस दौरान उसके जो फैमिली मेंबर थे और चार और फ्रेंड साथ में थे, वो सभी मारे गए और उसकी सिस्टर मारी गई और उसके बाद थोड़े दिनों बाद टाइफस से बीमारी से एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई। लेकिन वो जब 2 ईयर्स वहाँ पे थी नीदरलैंड्स में, तो उसने वो डायरी लिखी थी और वो डायरी उसके फादर ही एक सर्वाइवर थे, वही बचे थे जब वो कैंप कंसंट्रेशन कैंप में गए थे, यानी उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। तो उसके फादर ओटो फ्रैंक ने उसको जो उसकी डायरी है उसको पब्लिश कराया। तो ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं एन फ्रैंक के रियल वर्ड्स हैं जो उसने खुद लिखे हैं। राइटिंग अ डायरी एज इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो एन फ्रैंक कहती है, मेरे लिए तो डायरी लिखना बड़ा ही एक स्ट्रेंज सा अलग सा एक्सपीरियंस है, नॉट बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग्स ऑफ 13-year-old स्कूल गर्ल। कहता है कि मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि बाद में ना तो मैं या कोई और मेरी जो म्यूजिंग्स हैं, मेरी जो इमेजिनेशंस हैं 13 साल की स्कूल गर्ल की कोई पढ़ना पसंद करेगा। ओह वेल इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन ईवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एन फ्रैंक कह रही है कि मुझे लिखने की ज़रूरत है, मैं लिखना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है कि मेरे माइंड में या मेरे दिल में जो भी है उसको मैं बाहर निकालूँ। काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, कहता मैं अपनी चेस्ट से, अपने हार्ट से, अपने दिल से जो भी बातें हैं उसको लिख कर बाहर निकालूँ। तो यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन जो आपके एग्जामिनेशन में भी आती है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। कहता कि कागज़ में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है, पेशेंस मतलब उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक सुनने की या बात करने का पेशेंस पेपर में ज़्यादा है। यानी पेपर पे आप जितनी मर्जी देर लिखते रहो, पेपर क्या एक नजीब वस्तु है, वो कहेगी कि आप मत लिखो, लेकिन लोग आपकी बात इतनी देर नहीं सुनते। ये किसी यहाँ कहने का मतलब है कि पेपर पे जो मर्जी लिखो, जितनी देर लिखो, चाहे लिखते ही जाओ या मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों से अगर हम ज़्यादा अपनी डिस्कशन करेंगे तो वो भी परेशान हो जाते हैं। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स। तो कहता मैंने कहती है कि मैंने कब शुरू किया, जब मैं थोड़ी डिप्रेस्ड फील कर रही थी, थोड़ा परेशान फील कर रही थी, थोड़ा एक समस्या फील कर रही थी, तो मैं घर में बैठी थी, मैंने अपने हाथों में अपनी चिन को यानी अपनी ठोड़ी को ऐसे रखा हुआ था, बोर फील कर रही थी एंड लिस्टलेस, मुझे लग रहा था कि मेरे में एनर्जी नहीं है कोई भी, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि मैं रहूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग, मैं वहीं रही जहां पे मैं थी। यानी ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब होता है जब आप सोच में पड़ते हो और बुरे विचार आपके अंदर आते हैं, टेंशन आती है, परेशानी होती है, ब्रूडिंग बोलते हैं उसको। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, मैं मुझे लगा कि पेपर में ही ज़्यादा पेशेंस है, कागज़ के ऊपर, यानी कागज़ के ऊपर ज़्यादा पेशेंस है, आप अपनी फीलिंग्स उसके ऊपर लिख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स कई लोगों को हैबिट होती है, वो डायरी लिखते हैं, रोज़ के एक्सपीरियंसेस वो रोज़ डायरी में नोट करते हैं। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, कहता कि मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, मैं किसी और को इसको पढ़ने दूँ जो मैं डायरी लिखना शुरू कर रही हूँ। स्टिफ बैक, स्टिफ मतलब हार्ड, गत्ते से बनी हुई जो नोटबुक है, ग्रैंडली बहुत अच्छी, रेफर टू एज डायरी, इसको डायरी बोलते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, मुझे अगर कोई असली फ्रेंड मिलता है तब मैं उसके साथ बात कर सकती हूँ। तो उसके बाद कहती है कि won't make a bit of difference. Now I'm back to the point and prompted me to keep a diary in the first place and I don't have any friend. तो वो कहती है कि मेरे पास कोई दोस्त ही नहीं है, इसलिए मैं क्या करना चाहती हूँ, एक डायरी लिखना चाहती हूँ ताकि मैं उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकूँ, यानी मैं अपनी बातें उससे कर सकूँ।
स्टूडेंट्स हर एक पर्सन का अपनी फीलिंग शेयर करने का, अपनी बात करने का अलग अलग तरीका होता है। वो कहती कि मेरा फ्रेंड तो कोई है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, डायरी लिखना स्टार्ट करती हूँ। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं एक क्लियर बात आपको बताती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, तो वो अपनी फीलिंग शेयर कर रही है कि आप विश्वास नहीं करोगे कि एक 13 साल की बच्ची गर्ल पूरी तरह अकेली है इस वर्ल्ड में। एंड आई एम नॉट, पर मैं नहीं भी हूँ वैसे। कहती आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स बड़े प्यारे हैं। एक 16-year-old सिस्टर, एक 16 साल की मेरी बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, 30 लोग हैं जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली लविंग आंट्स, हमारी आंट्स हैं जो रिलेटिव्स हैं, बड़े अच्छे हैं, अच्छा घर है। नो, ऑन द सर्फेस इट सीम टू हैव एवरीथिंग, एक ऊपर से नज़र आता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। आल आई थिंक अबाउट वैन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, मैं सोचती हूँ दोस्तों के साथ अच्छा समय ही होना चाहिए। आई कॉन्ट ब्रिंक माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स, कहती मैं अपनी दिल की बात तो कह ही नहीं सकती क्योंकि मेरी कोई इंटीमेट फ्रेंड नहीं है। मैं क्या बात करती हूँ उनसे, सिर्फ कोई सिंपल ऑर्डनरी बातें करती हूँ, कोई यानी कि रोज़मर्रा की बातें तो किसी से भी कर सकते हैं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम इतने पास नहीं आ पाते, यानी हम अपनी दिल की बात नहीं कह सकते, क्या हम फील करते हैं, क्या हमारी पसंद है, गहराई से मैं किसी से बात नहीं करती। दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कन्फाइड होता है कि मैं किसी को अपनी पर्सनल बातें नहीं कह पाती, शायद ये भी मेरी एक प्रॉब्लम है। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, कहते हैं कि मेरी जो यानी थिंकिंग है, मेरा बिहेवियर है, मुझे नहीं लगता चेंज होगा। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, तो कहती मैंने इसलिए क्या किया, एक डायरी लिखना स्टार्ट की। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, कहता मैं इसकी इमेज को बढ़ाने के लिए जिस फ्रेंड की मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, कहती मैं अपने इसमें फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती, मैं कब क्या हुआ, मैं कैन कब क्या किया, यानी मैं सारी चीज़ें जोट डाउन मतलब लिखना नहीं चाहती कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे सब लोग लिखते हैं कि मैं मेरे को ये प्राप्त मिला या मेरे मैं उससे मिला, मैं ऐसा नहीं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहती। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, कहती मैं अपनी डायरी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ, ना कि उसको लिखने के पर्पज़ से करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उससे अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, तो वो कहती मैं इसका नाम क्या रखूँगी, किटी। तो स्टूडेंट्स पेपर में पूछा भी जाता है कि जो एन फ्रैंक है उसकी डायरी का क्या नाम है, किटी, KITTY। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, कहती कि मेरी बात तो कोई नहीं समझेगा जो मैं किटी में लिखूंगी, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं आपको ब्रीफ स्केच बताती हूँ, छोटा सा अपना लाइफ के बारे में बताती हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जबकि मैं इतना पसंद नहीं करती अपनी लाइफ के बारे में बताना, लेकिन मैं फिर भी आपको अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ। माई फादर, मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। अपने फादर के बारे में बताते हैं कि मेरे फादर बहुत ही प्यारे हैं, अडोरेबल हैं, और कहता है कि उनकी एज 36 है और थी जब उन्होंने मैरिज की, और मेरी मदर की एज 25 थी। माई सिस्टर मार्गरेट, अपनी सिस्टर के बारे में बता रही है, मार्गरेट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, उसका जो बर्थ हुआ जर्मनी में हुआ इन 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 June 1929, मेरा जन्म हुआ वो 12 June 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अनटिल आई वॉज 4, मैं जब तक 4 साल की नहीं थी तब तक तो मैं जर्मनी में ही रहती थी, यानी फ्रैंकफर्ट में रहती थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933, और होलैंड में मेरे फादर 1933 में आए। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू होलैंड इन सेप्टेम्बर, और उसी साल सेप्टेम्बर में मेरी मदर भी चले गए। वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू आटकेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर के साथ रहे मैं और मेरी सिस्टर। मार्गरेट वेंट टू होलैंड इन दिसंबर, और मेरी सिस्टर भी दिसंबर में चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेबरवरी, तो मैं फेबरवरी में होलैंड गई। वेन आई वॉज प्लंज डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट टू फॉर मार्गरेट, और कहते हैं कि मुझे
जब मैं फरवरी में गई तो मजाक में क्या कहा गया कि ये देखो आपका बर्थडे गिफ्ट है, यानी मार्गवट को ये कहा गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। तो कहते मैं मोंटेसरी छोटे बच्चों के स्कूल में 6 साल की उम्र तक पढ़ी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन फर्स्ट फॉर्म, जब मैं फर्स्ट फॉर्म मतलब पहली क्लास में गई। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज कूपरस द हेड मिस्ट्रेस। तो अपनी एक टीचर को याद कर रही है जिसका नाम है मिसिज कूपरस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। कहती मैं और जो टीचर है कूपरस, हम जब हमने उनको छोड़ा, वहाँ से स्कूल छोड़ा, तो हम बहुत रोए और एक हार्ट ब्रेकिंग बहुत फेयरवेल, एक अलविदा अपनी टीचर को मिसिज कूपरस को कहा। इन द समर 1941 ग्रैंड मा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। मेरी ग्रैंड मदर इल हो गई, बीमार हो गई 1941 में। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, तो मेरे बर्थडे को ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हो पाई। ग्रैंड मा डाइड इन जनवरी 1942। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कहता है फिर जनवरी 1942 में मेरी मदर की भी ग्रैंड मदर की यानी मेरी दादी की डेथ हो गई, और मुझे मैं नहीं बता सकती कि मैं कितना उससे प्यार करती थी, अभी भी करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मा कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट। तो जब मैं मेरा बर्थडे आया तो मेरी भी अपनी मेरी दादी की तरफ से भी एक कैंडल मेरे बर्थडे को जलाई गई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम ठीक थे। दैट ब्रिंग्स मी द प्रेजेंट डे ऑफ 20th June 1942। तो वो डेट बता रही है कि मैं अभी ठीक हूँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। तो कहती मैं अपनी डायरी के लिए डेडिकेटेड हूँ, यानी मैं डायरी को पसंद करती हूँ। डियरेस्ट किटी अपनी डायरी को एड्रेस कर रही है। और एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। कहते हैं कि सारी क्लास क्या करती है, अपने एकदम क्वैकिंग यानी शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मतलब कांप जाना डर के मारे, कहते हैं कांप रही है। द रीज़न कारण क्या है कि हमारी सारी क्लास डर रही है, ऑफकोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन द इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी कैप्ट बैक। तो कहते हैं कि मैं हमारी क्लास किस लिए डर रही है, क्योंकि सब डर रहे हैं। टीचरों को ये डिसाइड करना है, अध्यापक ये डिसाइड करेंगे कि कौन पास होएगा यानी मूव करेगा अगली क्लास में, और कौन पिछली क्लास में ही रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी क्लास कहता शर्तें लगा रही है, बेट्स मतलब शर्तें लगा रही है कि जी एन एंड आई लाफ और सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। कहता एक नाम बता रही है गर्ल का जी एन, जिसको जी एन बोल रही है वो, और हम कहता हंस रहे हैं क्योंकि मेरे पीछे जो लड़के बैठे हैं बड़ी सिली हरकतें कर रहे हैं, अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। एक बॉय का नाम है सी एन और दूसरे का नाम है जैकस, हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट। तो कहते उन्होंने सारी बड़ी मुश्किल से, हु हैव स्टेक्ड होता है बड़ा मुश्किल से, उन्होंने क्या किया अपनी छुट्टियों की सारी बचत किस लिए बचा रखी है कि वो शर्त लगा सकें। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सारा दिन, इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। तो कहता सारा दिन आपस में क्या बातें करते हैं बॉयज़, वो तुम पास हो जाओगे, तो दूसरा कहता है मैं नहीं होऊंगा, तुम हो जाओगे, नो मैं नहीं होऊंगा। इवन जी इज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैन काम देम डाउन। कहता है कि जो जी है, जी इन गर्ल का नाम बता रही है, वो प्लीड कर रहे भी शोर मत करो, है ना, प्लीड करती बड़ी एक प्रार्थना करते हुए कह रही है कि चुप हो जाओ, और मेरे गुस्सा भी उनको चुप नहीं करा पा रहा, बच्चों को, बॉयज़ को जो शोर कर रहे हैं। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी कैप्ट बैक। कहता है कि मैं मुझे लगता है मैं काफ़ी डमीज हैं यहाँ पे, डम बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं करते, मुझे लगता है अभी चौथा हिस्सा तो उसका पीछे ही छोड़ देना चाहिए, आगे उनको क्लास में ले जाना नहीं चाहिए। बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। तो वो कहती है अध्यापकों का कोई नहीं पता, उनके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल मतलब उनके बारे में कोई मतलब कह ही नहीं सकते, उनको पहचान ही नहीं सकते वो कैसे हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मुझे अपनी सहेलियों की कोई चिंता नहीं है, जो गर्ल्स जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनकी चिंता नहीं है, और मुझे अपनी भी नहीं है। वी विल मेक इट, मुझे पता है हम पास हो जाएंगी। द ओनली सब्जेक्ट आई एम मोस्ट श्योर अबाउट इज मैथ। मुझे मैथ का नहीं पता अभी, मैथ में मैं कैसा करूँगी। एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट।
तो हम इंतजार ही कर सकते हैं. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. तो हम एक दूसरे को यही कह रहे थे दूसरे को कि आप हार्ट मत लूज़ करो, कुछ नहीं होता, अच्छा ही होगा. आई गेट लॉन्ग प्रेटी वेल विद माई ऑल टीचर्स. मेरी टीचर्स के साथ अच्छी बनती थी मैं सभी टीचर्स के साथ. देर आर 9 ऑफ देम. 9 टीचर्स थे, 7 मैन, 7 आदमी थे, मेल थे और 2 फीमेल, 2 औरतें थी. मिसिज किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ. तो मिस्टर किसिंग के बारे में बता रहा है कि वो पुराने तरह का टीचर था, यानी कि वो ओल्ड फैशन टीचर था. ओल्ड फैशन मतलब पुराने लुक्स, पुराने टाइप के कपड़े वैसे पहनते थे. कहते हैं वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच. कहता वो मेरे से बड़ा परेशान रहते थे, मेरे से बड़े दुखी रहते थे और नाराज रहते थे. अनॉय रहते थे मतलब नाराज रहना, काफ़ी टाइम से. फोर एजेस मतलब काफ़ी समय से, क्योंकि मैं बोलती बहुत थी. आफ्टर सेवल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा वर्क होमवर्क. मुझे उन्होंने कई बार कहा, वार्निंग दी भी, शोर मत करो, शोर मत करो, लेकिन मैं नहीं मानी. तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा वर्क दिया और मुझे एक व्यंग्य कसते हुए क्या काम दिया, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स. अ चैटर बॉक्स, कहता है कि मुझे क्या टॉपिक दिया, चैटर बॉक्स. स्टूडेंट्स, चैटर बॉक्स होता है जो बहुत बातें करता है. एनी बडी हु टॉक्स टू मच उसको चैटर बॉक्स कहते हैं. कहते हैं चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिख के लाओ. यानी किसिंग ने, जो मिस्टर किसिंग है जो मैथ के टीचर है, उन्होंने ये काम क्यों दिया, ताकि उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज हो एन फ्रैंक को. तो वट कैन यू राइट अबाउट दैट, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर. आई डिसाइडेड आई जोटेड डाउन द लिटिल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट. कहती मैंने कुछ लिखा, ट्राई किया, पर कहते क्या लिखूँ उस चीज़ के बारे में. मैंने कहते अपने बैग में डाल दिया और चुप रहने की कोशिश की. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन. कहती मैंने शाम को जब अपना होमवर्क किया, मैंने सोचा क्या लिखूँ उसके बारे में. मैं अपने पेन को चूई करने लगी, चबाने लगी फाउंटेन पेन को. एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स. कहते कोई भी कुछ भी बकवास लिख सकता है, बोल सकता है या लिख सकता है बिना किसी सोच समझ के, और ऐसी शब्द बोल सकता है, लिख सकता है. बट द ट्रिक्स वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गूमेंट. पर कहती बात तो तब है जब ऐसा आर्गूमेंट लिखा जाए, ऐसी बात लिखी जाए, ऐसा स्टेटमेंट लिखा जाए कि मैं बिलीव करने के लिए विवश कर दूँ कि मैं सही लिख रही हूँ. आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही. सडनली आई हैड एन आइडिया. आई रोट 3 पेजेस, मैंने 3 पेजों को ऐसे लिखा. क्या लिखा उसमें, मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड. और मैंने जो काम दिया वो सेटिस्फाइड थी. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट. कहता बोलना तो स्टूडेंट का एक गुण है, एक उसका फीचर है, एक उसका गुण है. दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप अंडर कंट्रोल. लेकिन कहती मैं इस गुण को क्या करूँगी, अपने से अपने कहने का मतलब कंट्रोल रखूँगी, बोलूँगी नहीं. दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ. पर कहती मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकती. क्यों, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर. कहते कि मेरी मदर भी मेरे बहुत बोलती है. एन फ्रैंक कहती है मेरी जितनी तो नहीं बेशक, लेकिन बोलती बहुत है. मैं ये अपने आप को ठीक कैसे कर सकती हूँ. एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. कहती कि इस बारे में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, जो आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं. स्टूडेंट्स, इनहेरिट क्या होता है कि फिजिकल मेंटल क्वालिटीज़ हैं जो अपने पेरेंट्स से हम लेते हैं. ऑब्वियस होता है, क्योंकि पेरेंट्स का आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है. आप उससे दूर जा ही नहीं सकते. यू विल हैव टू वर्क अ लॉट. कहती मैं तो बच ही नहीं सकती इस चीज़ से, क्योंकि मेरे मम्मा इतने बोलते हैं तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ. मिस्टर केसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, बट वैन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही साइंड मी अ सेकेंड एसे. तो मिस्टर केसिंग बहुत हंसे थोड़ा, और उन्होंने आर्गूमेंट देख के मेरा, लेकिन उन्होंने मुझे क्या किया, मैं फिर बोलने लगी तो उन्होंने क्या किया, अगले लेसन में मुझे एक और काम दे दिया. कहती अब फिर लिखो ऐसे. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स. तो मिस्टर केसिंग भी बहुत अपनी चीज़ पे अड़े हुए थे कि मैं इसको चुप करा के ही छोड़ूंगा. तो उसको फिर व्यंग्य कसते हुए क्या कहा, भी तुम ऐसा लिखो, पहले मैंने आपको चैटर बॉक्स मतलब बातूनी टॉपिक है उसके ऊपर लिखो कि बात करने को क्या बोलते हैं. उसके बाद कहती इनकोरिजिबल. इनकोरिजिबल होता है स्टूडेंट जिसको ठीक ही नहीं कर सकते, यानी ना ठीक होने वाला बातूनी. कहती इसके ऊपर लिख के लाओ. मिस्टर किसिंग ने कहा
I handed it in. Mr. Kissing had nothing to complain about for two whole lessons. However, during the third lesson, he finally had enough. Annie Frank as punishment for talking in the class write an essay entitled. कहते मैंने फिर उसको मिस्टर केसिंग को लिख के दे दिया जवाब अपना, लेकिन फिर भी मैं बोलती रही क्योंकि मैं आई कुड नॉट हेल्प इट, मैं बिना बोले रह नहीं सकती थी। तो तीसरी बार फिर मिस्टर जो केसिंग है उन्होंने मुझे क्या काम दिया, क्वैक क्वैक्स क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो उन्होंने कहा भी जो चैटर बॉक्स है बातूनी है वो क्वैक क्वैक करती रहती है। तो ये तीसरी बार उसको टॉपिक दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मिस्टर केसिंग है, ये इनको डांट रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि लिखो और बाकी बच्चे हंस रहे हैं क्योंकि ये बात बहुत करती है और केसिंग को गुस्सा आता है। थर्ड टाइम मिस्टर केसिंग ने उसको काम दिया है। तो ये एनी फ्रैंक है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीनियरिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। कहता मैंने तो अपनी जिहड़ी जितनी भी पावर थी एग्जॉस्ट कर दी थी, मतलब थक गई थी मैं इस टॉपिक पे लिखते हुए चैटर बॉक्स के ऊपर। इट वॉज द टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, कुछ और करने का टाइम था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ असली किया जाए अब तीसरी बार। माई फ्रेंड सैने हु इज़ गुड एट पोइट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स। तो मेरे एक फ्रेंड है, उसने कहा मैं तेरी हेल्प करूँगी, जो पोइट्री अच्छी लिखती थी, उसने कहा कि मैं तुम्हारा ऐसे राइम स्कीम में लिखूंगी, वर्स में लिखूंगी, यानी ट्यून में आपको लिख के दिखाऊंगी। एंड आई जंप, मैं खुश हो गई, आई जंप फॉर जॉय। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई मेक श्योर दैट जोक वॉज ऑन हिम। कहते मिस्टर केसिंग ने कहा कि मैं तो अभी इसका मजाक बनाऊंगा एन फ्रैंक का, लेकिन कहती मैंने भी सोच लिया कि मैं एन ये जोक उन्हीं के ऊपर वापस कर दूंगी। आई फिनिश्ड माय पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, मैंने पोइम ख़त्म की, ये बड़ी सुंदर बनी थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन, एक ये मदर डक और फादर स्वैन के बारे में थे जिनके तीन डक्स थे छोटे छोटे, थ्री बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ बाय फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। तो कहते उसके फादर ने उनको इतना काट दिया क्योंकि वो बोलते बहुत ज़्यादा थे। यानी अभी थर्ड टाइम जो एन फ्रैंक है उसने क्या लिखा, क्या पोइम लिखी उस आंसर में कि केसिंग ने क्या काम दिया था मिस्टर केसिंग ने, कि आपने लिखना है क्वैक क्वैक सेज द मिस्ट्रेस, तो मिस्ट्रेस क्वैक क्वैक करती है। तो एन फ्रैंक ने भी वैसी पोइम लिखी जो कि डकलिंग के, जो क्योंकि डक्स क्या करती हैं, क्वैक क्वैक की साउंड करती हैं। तो कहते हैं कि एक मदर डक थी, एक स्वैन था, उसके थ्री डकलिंग्स थे जिनको उसने काट दिया क्योंकि वो बोलते बहुत ज़्यादा थे। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे, ही रेड द पोइम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर्स। तो कहते हैं कि उसने जब मिस्टर किसिंग ने थर्ड टाइम जो मेरा पढ़ी लिखी हुई पोइम पढ़ी, उन्होंने क्लास में पढ़ी, अपने कमेंट्स भी दिए और बाकी क्लासेस को भी सुनाई वो पोइम। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, उस दिन के बाद मुझे बोलने दिया गया एंड आई हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा वर्क, उसके बाद मुझे कभी भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और उसके बाद देखा कि मिस्टर केसिंग चेंज हो गए, वो हमेशा जोक करते रहते थे, यानी उनमें बदलाव आ गया। यानी मिस्टर केसिंग तो उसको काम देते थे कि वो कि उसको रियलाइज़ हो जाए कि वो बोलती ज़्यादा है, और थ्री टाइम्स उसको वर्क दिया। फर्स्ट टाइम में उसने लिखा कि मैं इसको बदल नहीं सकती अपनी आदत को बोलने को, थर्ड सेकेंड टाइम भी उसने जवाब दिया, थर्ड टाइम उन्होंने जब टॉपिक दिया क्वैक क्वैक से इज द मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, तो ये उसको बड़ा लगा कि मुझे सर बार बार काम दे रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। तो वो क्या लिखती है पोइम के अंदर कि एक स्वैन है, एक डक है, उसके जो बच्चे हैं वो बोलते बहुत थे और जो स्वैन था वो उनको काट देता है, मार देता है क्योंकि वो बोलते बहुत ज़्यादा थे। तो इसका इनके ऊपर इतना असर हुआ, उसके बाद उन्होंने कभी भी उसको एन फ्रैंक को बोलने के लिए कभी नहीं डांटा और उसको हमेशा वो उसके बाद उन्होंने जोक करना शुरू कर दिया, मजाक करना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट इट वाज ऑल अबाउट डायरी फ्रॉम डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आई होप आपको समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका बैकग्राउंड देखा कि ये कहाँ से स्टोरी चली और वो कैसे उसने डायरी को अपना फ्रेंड बनाया और किस तरह से मिस्टर केसिंग के जो बिहेवियर को चेंज किया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही,
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। आई विल ट्राई कि मैं आपके इसके क्वेश्चन आंसर आपके ग्रुप्स में दूँ, और डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू।